हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन खोलेश्वर जूनियर सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू टीच यू ग्रामर कंसेप्ट। इन ग्रामर कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेंडर। सो टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट gender. Gender means what? Gender means ling. तो चलो देखते हैं। We have four genders to denotes of nouns in the English language. English language में कितने genders है जो हमें study करने हैं? Four हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। Masculine gender, feminine gender, common gender and nature gender. फर्स्ट है देखो मस्कुलिन जेंडर, मीन्स इसका क्या मीनिंग है? पुल्लिंगी। मस्कुलिन जेंडर मीन्स व्हाट? मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेन, जो मेल के लिए यूज किया जाता है उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। एग्जांपल्स लिए है मैंने किंग, किंग मीन्स राजा, वो क्यों कौन है? एक मेल है, मीन्स पुल्लिंगी है। उसी तरह से मैन, हीरो, बॉय, राहुल, किसी बॉय का नाम होगा या उसमें मैन का होगा या कोई हीरो का नाम होगा या किंग का नाम होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? कौन सा जेंडर कहलाएंगे? मस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। तो उसके ऑपोजिट हम देखने वाले हैं सेकंड नंबर का टाइप, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स व्हाट? फेमिनिन जेंडर्स मीन्स स्त्रीलिंगी। फेमिनिन जेंडर्स डिनोट्स फीमेल, फीमेल के लिए जो लिंग यूज किया जाता है, जेंडर यूज किया जाता है, उसे फेमिनिन जेंडर्स कहते हैं। एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, वो कौन है? वो एक फीमेल है। उसी तरह से वुमेन है, हीरोइन है, गर्ल है। गर्ल का कौन सा भी नाम भी ले सकते हैं, हीरोइन का कौन सा भी नाम ले सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? कौन से जेंडर हो गए? फेमिनिन जेंडर्स हो गए। तो मस्कुलिन जेंडर्स और फेमिनिन जेंडर्स यहाँ हो गए। तो आगे बढ़ते हैं हम कॉमन जेंडर्स की तरफ। थर्ड नंबर का टाइप है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स सामान्य लिंग। नाउन्स दैट कैन बी आइदर मेल और फीमेल बिलोंग टू द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स सामान्य लिंग, जो यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं? मेल के लिए भी यूज किया जाता है और फीमेल के लिए भी यूज किया जाता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। तो चलो देखते हैं उसका एग्जांपल, तो इजी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लिया है चाइल्ड, पेरेंट, बेबी, कजिन, फ्रेंड, टीचर, एनिमी एंड डॉक्टर। देखो चाइल्ड जो है बच्चे के लिए यूज किया जाता है, उसमें फीमेल भी हो या मेल भी हो। उसी तरह से पेरेंट जो है वो आपकी मम्मी होगी या डैडी होगी, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, कॉमन जेंडर है वो पेरेंट। उसी तरह से बेबी होगा, कजिन, फ्रेंड होगा या टीचर, टीचर आपके कौन से भी हो, उसमें फीमेल होगा या मेल होगा, उनके लिए आप टीचर ये वर्ड यूज कर सकते हैं कॉमन जेंडर से। और जो है बाद में एनिमी है, डॉक्टर है, एनिमी मीन्स शत्रु, डॉक्टर मीन्स वैद्य, वो दोनों के लिए भी आप कॉमन जेंडर में ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट नेचुअर जेंडर। नेक्स्ट है लास्ट नेचुअर जेंडर, वो है नपुसकलिंगी। नॉन लिविंग थिंग्स बिलोंग टू द नेचुअर जेंडर, मीन इसमें क्या दिया है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं कौन सा जेंडर? नेचुअर जेंडर। तो चलो देखते हैं उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में स्टोरी बुक है, स्टोरी बुक में मीन्स स्टोरी का बुक है, ये किताब है, और वो जो वर्ड है वो वर्ड के लिए कौन सा लिंग है? नेचुरल जेंडर है, मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है। उसी तरह से बैट है, पेंसिल है, टेबल है, इस तरह से आप दूसरा भी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसी तरह से आज हमने क्या सीखा है? जेंडर सीखा है और उसके फोर टाइप सीखे हैं, मस्कुलिन जेंडर्स, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड नेचुरल जेंडर। तो ये जेंडर हमें थर्ड स्टैंडर्ड के लिए स्टडी करने के लिए है। आप पेज नंबर 55 के ऊपर डिटेल में देख सकते हैं, उसमें नीचे दिया है एग्जांपल्स ऑफ नाउन इन अ मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर्स। आपको कुछ पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, वो आपको रीड करना है और समझ के लेना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।